इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले 3 बार से नाकाम हो रहे दिल्ली महापौर के चुनाव के लिए पहले 16 फरवरी का दिन तय किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से मेयर के चुनाव पर रोक लग गई है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 6 फरवरी को महापौर का चुनाव नहीं हो सका था। वजह थी पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने नई व्यवस्था देते हुए 10 मनोनीत पार्षदों को भी चुने हुए पार्षदों की तरह मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग का अधिकार दे दिया था। ऐसे में 7 फरवरी को आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबराय ने कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन को वोट का अधिकार दिए जाने और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव एक साथ कराने के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके लिए सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख को होने वाले महापौर के चुनाव पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि अभी तक नई तारीख का नहीं पता चल पाया है, लेकिन कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 17 फरवरी को होगी। इससे पहले मेयर चुनाव पर रोक लग गई है। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि महापौर के चुनाव में नॉमिनेटेड पार्षद यानी एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, 16 फरवरी को भी नहीं होंगे महापौर के चुनाव।